वो अच्छी तरीके से जाए और इन वीडियोस का आपको काफी ज्यादा हेल्प हुआ है आपके सारे कमेंट्स मैंने पर्सनली पढ़े हैं तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द अप्लाइड कंपोनेंट सब्जेक्ट सब्जेक्ट एंड नेम इज जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस है और ये इंट्रोडक्शन के बाद आपको चैप्टर uh, वाइज जैसे मैंने सेशन आपको कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए दिए थे वैसे ही आपको सारे सेशंस जो है वो इसके साथ मिलने ही वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम जीएसटी की बात करें तो देखो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बिकॉज बहुत सारे थियोरी बुक्स में अवेलेबल है अब उसमें से प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस होने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं तो अगर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करें तो देखो सबसे सिंपल पार्ट है जो आपको हमेशा पूछा जाता है एंड दैट इज कलेक्शन एंड लेवी ऑफ जीएसटी नाउ इज दिस कलेक्शन एंड लेवी ऑफ जीएसटी कलेक्शन ऑन लेवी ऑफ जीएसटी में आपको आ, कुछ पॉइंट दिए जाएंगे एंड ये जो पॉइंट्स है इसके बेसिस पे आपको टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल पॉइंट्स जो है वो पेपर में ढूंढने हैं मतलब आपको कॉलम्स प्रिपेयर करने हैं टैक्सेबल है कि नॉन टैक्सेबल है वो आपको ढूंढना है बेसिकली ये सारे पॉइंट्स मिक्स होकर आते हैं मैंने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी चैनल पे अपलोड करके रखी है एजुकेशनल सर्विस फाइनेंशियल सर्विस इवेंट के फिर गवर्नमेंट uh, सर्विसेस कमर्शियल कोचिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऐसे बहुत सारी चीजें हैं तो उसमें से सारे पॉइंट्स को मिक्स करके आपको दिया जाएगा एंड देन वी नीड टू फाइंड आउट फ्रॉम दैट कि पॉइंट इज टैक्सेबल पॉइंट इज नॉट टैक्सेबल और उसके साथ हमको जीएसटी का भी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं जो है वो करना है तो दैट विल बी द क्वेश्चन पार्ट विच विल बी आस्क इन द पेपर तो ये आपको ध्यान रखना है उसके टाइप के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं और ये सेशन के बाद आपको वो भी सारे चीजें एक रिविजन बेस पे सॉल्व करवाने वाला हूँ तो लास्ट तक बने रहे और पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए बिकॉज ऐसे ही वीडियोस आपको इस चैनल पे जो है वो मिलते रहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अब अभी हमने बात की अबाउट दी कलेक्शन एंड लेवी ऑफ जीएसटी तो इसके बारे में तो क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में अगर ये कलेक्शन एंड लेवी ऑफ जीएसटी की क्वेश्चन की बात करें बेसिकली क्या है अभी ट्वेंटी मार्क्स के क्वेश्चन हो चुके हैं एंड अगर मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें तो डायरेक्ट डायरेक्टी मार्क्स का क्वेश्चन आना थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो दस दस मार्क्स के क्वेश्चन के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस करें दस दस मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे एंड जितनी पॉइंट जितने पॉइंट आपने सही से सॉल्व किए है उसके आपको मार्क्स जो है वो पेपर में मिलने वाले हैं तो डरना बिल्कुल भी नहीं है जितने पॉइंट आपके सही है उसके मार्क्स जो है वो आपको पेपर में मिलेंगे तो दैट विल बी द फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट जो आपको पेपर में पूछा जाता है इसके पहले भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपको पूछा गया होगा एंड दैट इज कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी तो हमको जीएसटी की लाइबिलिटी ढूंढनी है जीएसटी की लाइबिलिटी ढूंढने में बहुत ही सिंपल फॉर्मेट को हम यूज करते हैं जो जो आपने जो टैक्स जो आपने सेल्स पे पे किया होगा उस टैक्स सेल्स में पेमेंट के बाद आपको वैल्यूज मिलेंगे और उसके बाद आपको जो आपके परचेज पे टैक्स आपने भरा होगा दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे और हमारे क्वेश्चंस में ओपनिंग बैलेंस वगैरह दिया रहेगा तो वो भी हम उसमें से क्या करने वाले हैं माइनस करने वाले बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है फिर उसमें हम एक्सेस क्रेडिट एडजस्टेड का भी कंसेप्ट फॉलो करते हैं सीजीएसटी एडजस्ट करते हैं हम अकॉर्डिंगली आईजीएसटी एंड एसजीएसटी के साथ ऐसा वगैरह आपके क्वेश्चन में जैसा एडजस्टमेंट दिया रहेगा उस चीज को आप एक्चुअली फॉलो करके उसको हम कर सकते हैं सो दैट विल बी अ क्वेश्चन विच विल बी आस्क नॉर्मली इन द पेपर एंड उस पर आपको ध्यान देना है परफेक्टली सॉल्व करना है और सबसे पहले ये आपको चेक करना है उसमें कि जो पर्सन है वो कहाँ पे रजिस्टर्ड है अगर वो पर्सन महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड होगा और वो अगर महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में ही गुड्स बेचता होगा तो दो टैक्सेस लगते हैं विच इज कॉल्ड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और अगर वो बंदा महाराष्ट्र से किसी और स्टेट में गुड्स को सेल करता होगा तो, तो तभी फिर एक ही टैक्स लगता है कॉल्ड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो ये आपको ध्यान रखना ये टाइप का एक क्वेश्चन आपके पेपर में जो है वो पूछा जाएगा और हो सकता है कि ये क्वेश्चन दस मार्क्स के लिए आए या ये क्वेश्चन ट्वेंटी मार्क्स में भी पूछने जाने के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं तो इस पे ज्यादा करके फोकस करें काफी अच्छी तरीके से ये क्वेश्चंस मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं तो वो सारी चीजें देखिए अभी आपको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है ये वीडियो के बाद सारे वीडियोस में अटैच करके आपको प्रोवाइड करने ही वाला हूं ताकि आपका सब कुछ एक साथ जो है वो रिवाइज जो है वो हो सके इसके बाद जो आपको ध्यान देना है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर एंड दैट इज बीन द चैप्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन तो रजिस्ट्रेशन के रूल्स काफी इंपॉर्टेंट है आपको ये ढूंढना है कि रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से ऐसे पर्सन होंगे जिनको लाइबिलिटी होती है रजिस्ट्रेशन की कि लाइबल करना है कि नहीं करना है उसके रूल्स अवेलेबल है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है तो उनकी लिमिट्स अलग है ऐसे आपको ध्यान देना है कि रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा एलिजिबल होगा कि नहीं होगा उसके लिए सर्टन प्रोविजन है और उसके लिए सर्टन रूल्स है 40 की limit, 20 की limit, 10 की लिमिट, लिमिट, लिमिट मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करके रखा है के आज़ आज़ उसके बाद कभी कभी आपको कॉम्पोजिशन स्कीम के ऊपर क्वेश्चन आता है कॉम्पोजिशन स्कीम जो है वो कॉम्पोजिशन स्कीम में फिर मैन्युफैक्चरर है तो कितना परसेंट रेट ऑफ ड्यूटी लगता है बाकी सारा फॉर्मेट जो है बेसिकली पूरा फॉर्मेट सेम है उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद दो कंसेप्ट है आ, वैसे तो तीन कंसेप्ट है टाइम ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई सभी पे आपको क्वेश्चंस मिलेगा टाइम ऑफ सप्लाई में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं

तो प्लेस ऑफ सप्लाई के बाद तीसरा जो पार्ट है that is called value of supply. Value of supply में आपको कैलकुलशन जो है वो करने पड़ेंगे वो कैलकुलेशन कैसे करने हैं वो भी मैं आपको इसके बाद प्रोवाइड कर रहा हूं किस तरीके से ये चार चीजों जो है वो आपको रिवाइज करके जानी है तो तीन चीजों के ऊपर क्वेश्चन अगेन पूछे जाएंगे नंबर वन इज टाइम ऑफ सप्लाई नंबर सेकंड इज प्लेस ऑफ सप्लाई एंड नंबर थर्ड इज वैल्यू ऑफ सप्लाई तो दिस विल बी द ओवरऑल पार्ट जिसपे क्वेश्चन आने के चांसेस है तो ये सारी चीजों को ध्यान से पढ़े ये सारी चीजें अगर आपको नहीं आती है तो वो भी मैं आपको अभी प्रोवाइड कर रहा हूं तो लास्ट तक देखते रहे सारी चीजें रिवाइज हो जाएगी एक साथ और ये सारी चीजें अगर आप पढ़ के जाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली इसी में से जो पॉइंट्स है वो नॉर्मली बनते हैं अमाउंट्स यहाँ वहां थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बाकी सारी चीजें जो कैसी है है रूल्स के ऊपर जीएसटी पूरा रूल्स के ऊपर है ऑब्जेक्टिव को सही से अटेम्प्ट करे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज के वीडियो चैनल पे अवेलेबल है प्लेलिस्ट ही बनाया है एमसीक्यूज का वहां से जीएसटी के एमसीक्यूज की वीडियोस आप देख सकते हैं और थियोरी क्वेश्चंस भी उसी से रिलेटेड जो है वो आपको पूछे जाएंगे तो अभी तक आपने अगर ऐप आप डाउनलोड नहीं किया है तो लास्ट मिनट रिवीजन का ऐप डाउनलोड करना ना भूले ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है कहीं ना कहीं आपको आने वाले इयर्स में भी वो ऐप से काफी ज्यादा बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है तो अभी डायरेक्टली मैं आपको लेके चलता हूँ सारे चैप्टर्स के वीडियोज के बेसिस पे आप वहां पे सारी चीजों को रिवाइज करें और सारी चीजें रिवाइज अगर आपकी हो जाएगी तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि मुझे भी पता चले जो इतने सारे सेशंस में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं उससे आपको कितना अच्छा बेनिफिट

for solving the combined question remember that you should be very much clear with the previous points which we have solved unless and until you are cleared with the previous points you will not be able to solve this combined question because इन द कंबाइंड क्वेश्चंस विल बी हैविंग टू पॉइंट्स ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी टू पॉइंट्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज टू पॉइंट्स ऑफ फिनेशियल सर्विसेज टू पॉइंट्स ऑफ दी हेल्थ केयर सर्विसेज ऐसे सारे के सारे पॉइंट्स को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया जाएगा तो अमाउंट तो कुछ भी हो सकता है आपको सिर्फ याद रखना है जो हमने टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल के पॉइंट सीखे थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वहां से ही आपको कंफ्यूजन स्टार्ट होगा कि ये पॉइंट टैक्सेबल है या ये पॉइंट नॉन टैक्सेबल है तो देखते किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है सो दिस इज द कंबाइंड क्वेश्चन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस एज वेल एज गुड्स एंड सर्विस एस जी एस टी तो हमारे पास देखो वेकेंट लैंड यूज फॉर एनिमल हस्बेंड्री दिया है फिर सेल ऑफ टाइम स्लॉट फॉर एडवर्टाइजिंग दिया है एडवर्टाइजिंग एजेंसी है देन रिसीड्स फ्रॉम रनिंग हॉबी क्लासेस दिया है तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट एजुकेशनल सर्विस है देन अगेन इट्स एडवर्टाइजिंग देन इमोबल प्रॉपर्टी आ रहा है रेंट रिस फ्रॉम फैक्ट्री बिल्डिंग तो ऐसे आपको अभी सारे के सारे पॉइंट्स मिक्स करके दिए जाएंगे सो so, मिक्स करके जब पॉइंट्स आएंगे तब आपको जितने भी पार्ट हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में पढ़े थे सभी का कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा अगर सारे के सारे पॉइंट्स आपके कंसेप्चुअल बेस पे क्लियर होंगे जो हमने इसके पहले पढ़े तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी सिंपल होंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कैसे कम्बाइंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आई हैव टेकन टोटल फोर्टीन पॉइंट्स ये सारे फोर्टीन पॉइंट्स इस फॉर्मेट में भी मैंने लिखे हैं अब एक एक पॉइंट को डिस्कस करें करेंगे वेकेंट लैंड यूज फॉर एनिमल हजबेंड्री तो मैंने आपको क्या कहा था मैंने आपको कहा था कि वेकेंट लैंड यूज फॉर एनिमल हजबेंड्री हो फ्लोरिकल्चर हो हॉर्टिकल्चर हो ये आपको ध्यान रखना है फ्लोरिकल्चर हॉर्टिकल्चर और एनिमल हजबेंड्री ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आपके क्या रहेंगे ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आपके नॉन टैक्सेबल रहेंगे तो अभी हम नॉन टैक्सेबल के कॉलम में लिखेंगे सिक्स लैक्स फर्दर सेल ऑफ टाइम स्लॉट फॉर एडवर्टाइजिंग ऑन एफ तो हमने एडवर्टाइजिंग के सर्विसेस पढ़े थे और मैंने आपको कहा था कि एडवर्टाइजिंग सर्विसेज में सारे के सारे पॉइंट हमारे टैक्सेबल होते हैं तो दिस विल बी ऑल्सो टैक्सेबल नेक्स्ट इज रिस फ्राम रनिंग हॉबी क्लासेस तो हॉबी क्लासेस का बताया था मैंने डिफरेंट गेम्स का रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू कल्चर ऐसे सारे पॉइंट्स क्या होते हैं इट इज कंसिडर एज नॉन टैक्सेबल देन नेक्स्ट पॉइंट इज रिस फ्राम रनिंग हॉबी क्लासेस ये डबल डबल पॉइंट हो गया तो ये इरेज तो कर देंगे इधर डैश डैश मार देंगे डबल पॉइंट आ गया है ठीक है तो चलो इधर एक और एक पॉइंट ले लेते हैं अगर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा तो वेकेंट लैंड यूज फॉर फ्लोरिकल्चर फोर लैक्सी लेंगे तो दैट विल बी ऑल्सो नॉन टैक्सेबल तो ये भी क्या बनेगा नॉन टैक्सेबल बन जाएगा नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट वाया स्पेस इन प्रिंट मीडिया तो दिस विल बी ऑल्सो कंसिडर एज टैक्सेबल बिकॉज एडवरटाइजिंग में कोई भी एग्जेपन नहीं है नेक्स्ट पॉइंट इज बिल्डिंग लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पज तो मैंने आपको बताया था इमोबल प्रॉपर्टी जब हमने पढ़ा था कि तब अगर हम बिल्डिंग को लेटआउट करेंगे कमर्शियल पर्पज के लिए तो वो टैक्सेबल बनेगा अगर हम बिल्डिंग को लेटआउट करेंगे फॉर रेसिडेंशियल पर्पज तो वो क्या बनेगा वो नॉन टैक्सेबल बन जाएगा नेक्स्ट इज लैंड लेट फॉर एग्जीबिशन तो लैंड इज लेट आउट फॉर एग्जीबिशन तो एग्जीबिशन को लैंड लेट आउट किया है इट्स अ कॉरपोरेट पार्ट कमर्शियल एक्टिविटी तो क्या बन जाएगा टैक्सेबल बन जाएगा फाइवलैक्स इज आवर टैक्सेबल पॉइंट अगले पॉइंट में जाते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी फॉर इम्प्रूविंग लुक्स तो दिस इज फ्रॉम द पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सर्विस तो हमने पढ़ा था अगर कॉस्मेटिक सर्जरी किसी की भी एक्सीडेंट के वक्त करेंगे तो ज़रूरी हो जाएगी ऐसे केस में वो नॉन टैक्सेबल है अगर आप इंप्रूविंग लुक्स के लिए अगर कॉस्मेटिक सर्जरी करते हो तो इट विल बी कंसिडर एज टैक्सेबल तो ट्वेंटी थ्री लैक्स तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ये तो कमर्शियल एक्टिविटी हो गई ये भी क्या बनेगा आपका टैक्सेबल बनेगा नेक्स्ट पॉइंट इज होटल रूम डिक्लेयर्ड टैरिफ रुपीज एटीन हंड्रेड पर डे तो हमने कुछ रिविजन करना है इसका एटीन हंड्रेड पर डे के लिए क्या था अपना रूल अगर वन थाउजेंड तक रहा तो कोई भी टैक्सेबल पॉइंट नहीं आता मतलब अगर होटल के चार्जेस वन थाउजेंड तक रहे तो जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल एंड अगर वन थाउजेंड से ऊपर रहे तो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा मतलब टैक्सेबल बन जाएगा तो यहाँ पे क्या किया है होटल रूम डिक्लेयर टैरिफ एटीन हंड्रेड पर डे दिया है अमाउंट है आपका एट लैक्स तो टैक्सेबल बन जाएगा बिकॉज इट इज मोर देन वन थाउजेंड तो एट लैक्स हम टैक्सेबल के कॉलम में लिखेंगे नेक्स्ट इज आई टी सर्विसेस तो आई टी सर्विस में भी सारे पॉइंट टैक्सेबल है अपग्रेडेशन ऑफ सॉफ्टवेयर तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अपग्रेडेशन ऑफ सॉफ्टवेयर थ्री लैक्स नेक्स्ट इज फ्रॉम द फिनेशियल सर्विसेज सेल एंड परचेज ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट रुपीज फोर लैक्स तो ये भी हमने पॉइंट सीखा था ये भी हमारा पॉइंट क्या है नॉन टैक्सेबल बन जाएगा सेल एंड परचेज ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट इज कंसल्टेंसी चार्जेस फॉर आई टी सर्विसेस पंद्रह लाख तो ये क्या है आई टी सर्विसेस कंसल्टेंसी चार्जेस तो ये भी आपका बनेगा टैक्सेबल फिर नेक्स्ट है बिल्डिंग लेटआउट टू स्कूल तो मैंने आपको बताया था अगर हम बिल्डिंग लैंड स्कूल को लेटआउट करेंगे तो क्या बनेगा वो बनेगा हमारा नॉन टैक्सेबल अभी आपको सिर्फ क्या करना है टोटल करते जाना है तो जो जो पॉइंट हमने टैक्सेबल में लिखे उसका टोटल कर लेते हैं फिर जीएसटी कैलकुलेट कर लेंगे इसका टोटल आता है टैक्सेबल के कॉलम का एंड दैट इज सेवेंटी एट लैक्स तो सेवेंटी एट लैक्स इज अवर टोटल ऑफ टैक्सेबल कॉलम नो नीड टू कैलकुलेट नॉन टैक्सेबल बिकॉज टैक्सेबल के ऊपर ही हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे तो so, जीएसटी का टोटल परसेंटेज कितना दिया है ट्वेल्व परसेंट तो हमें क्या करना है सेवेंटी एट लैक्स का पहले सिक्स परसेंट ढूंढना है दैट विल बी अवर सी जी एस टी एंड रिमेनिंग सेम अमाउंट विल बी अवर एस जी एस टी तो सी जी एस टी आता है फोर लैख सेम एट थाउजेंड ये आपका बनेगा नाइन लाख थर्टी सिक्स थाउजेंड दिस विल बी योर टोटल जीएसटी पेबल तो इट्स सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन विच वी है कुछ फॉर्मेट में डिफरेंस नहीं है फॉर्मेट तो सेम है जैसे हमने पहले के क्वेश्चंस किए थे सिर्फ आपको इसमें क्या याद रखना है जितने भी क्वेश्चंस अभी तक सॉल्व किए हैं उस सभी क्वेश्चंस का बेस वो सभी क्वेश्चंस का बेस अगर आपका क्लियर रहेगा तो कंबाइंड क्वेश्चन विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व बिकॉज यूजुअली इन द पेपर यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ क्वेश्चन ऑन ओनली वन सर्विस यू आर गोइंग टू गेट क्वेश्चन ऑन ऑल द टाइप्स ऑफ सर्विस टूगेदर सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल हेल्प यू टू understand basically ki which kind of questions are usually asked in the paper how the type of questions are okay, usually asked calculate the input tax credit for the month of march 2020 and the points are 7 goods lost by theft services utilized for business rent a cap service from uber limited uber Jai, ola i koibuldi Rakna. material purchase for business purchase of motor car for factory manager life insurance cover of एम्प्लॉइज काफी इंपॉर्टेंट एंड वॉलेंट्री हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉयज लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था तो एक एक पॉइंट को देखते हैं सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे वन वन बाय काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं सॉल्विंग द क्वेश्चन चलो शुरू करते हैं फिर इसका सोल्यूशन देखो फॉर्मेट तो सेम है सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम सिर्फ कुछ अमाउंट्स मैंने लिखे हैं कुछ अमाउंट्स हमने डैश लिखे हैं नील लिखे है सबसे पहले गुड्स लॉस बाय थेफ्ट गुड्स लॉस बाय फायर गुड्स लॉस बाय थेफ्ट कुछ लॉस्ट आया तो भी उसके ऊपर कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको क्लेम नहीं कर सकते तो निल आ जाएगा नेक्स्ट इज सर्विसेज यूटिलाइज फॉर बिजनेस तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम सर्विसेज बिजनेस के लिए यूज़ करेंगे तो क्या होगा सर्विसेज अगर हम बिजनेस के लिए यूज करेंगे तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के पॉइंट्स में कंसिडर किया जाएगा दैट मीन्स टैक्सेबल होगा और यहाँ पे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं नेक्स्ट इज रेंट अ कैब सर्विस फ्रॉम उबर लिमिटेड तो अगर कैब सर्विस आपने रेंट कर लिया तो उसके ऊपर आपने पेमेंट कर लिया होगा तो उसके ऊपर भी कोई भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा नेक्स्ट इज मटेरियल परचेस फॉर बिजनेस अगर आप बिजनेस के लिए कुछ मटेरियल परचेस करते हो ऑब्वियसली तो इसके लिए तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना ही चाहिए तो नाइनटी थाउजेंड के ऊपर आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा नेक्स्ट इज परचेज ऑफ मोटर कार फॉर फैक्ट्री मैनेजर तो जो फैक्ट्री मैनेजर है उसके लिए कार परचेस करके दिया है तो वो तो पर्सनल लेवल पे एक्सपेंस हो गया है दैट इज ऑल्सो इनपुट टैक्स क्रेडिट नील होगा नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हम हमारे स्टाफ या एम्प्लॉयज़ के लिए इंश्योरेंस लेंगे हेल्थ इंश्योरेंस हो कोई भी इंश्योरेंस हो तो वो मैंडेटरी बन जाता है इसीलिए उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है लेकिन अगर कोई भी एम्प्लॉय खुद के लिए लाइफ इंश्योरेंस लेगा हेल्थ इंश्योरेंस लेगा वॉलेंट्री बेस पे तो उसके ऊपर कोई भी हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट हम क्लेम नहीं कर सकते तो दैट इज वाई लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ एम्प्लॉइज इट्स टैक्सेबल एंड वॉलेंटरी हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉइज देखो यहाँ पे दिखा है नील लिखा है तो दैट्स इट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे अभी क्या करेंगे टोटल करेंगे टू लैक्स प्लस नाइन्टी थाउजेंड प्लस वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड यू फाइनल टोटल बिकम्स फोर लैख टेन थाउजेंड एंड दिस फोर लैख टेन थाउजेंड विल बी कॉल्ड एज वॉट दिस फोर लाख टेन थाउजेंड विल बी कॉल्ड एज टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इतना, इतना हैं तो ये था हमारा क्वेश्चन आई होप कि दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू छोटे छोटे क्वेश्चन है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में मेजर आपको कौन सा सेक्शन याद रखना है हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था सेक्शन सेवनटीन सबसेक्शन 5 आपको याद रखना है ठीक है फिर सेवनटीन सबसेक्शन फाइव फिर सेवनटीन सेक्शन ए बी सी डी वन टू कभी कभी सेवनटीन सेक्शन फाइव के जगह पे सिक्स भी कवर होता है लेकिन फिलहाल मेजर मेजर पॉइंट्स में 17 सब सेक्शन आपको याद रखना है फिर इनिशियल अल्फाबेट याद रखने की कोई आपको जरूरत अनिल एंड कंपनी इज कैरिंग ऑन अ बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स इन मुंबई तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि कंडीशन में क्या कहा है कंडीशन में कहा है कि सप्लाई ऑफ द गुड्स तो अभी हम इसमें गुड्स का कंडीशन अप्लाई करेंगे गुड्स का लिमिट अप्लाई करेंगे सर्विस का लिमिट अलग है और ये बंदा कहाँ का है मुंबई का है द कंपनी स्टार्टेड बिजनेस ऑन सिक्स फेब्रुवरी 2020 ट्वेंटी इज टर्न ओवर ऑफ द गुड्स इज एज फॉलोस तो आपके पास ये क्वेश्चन दिया है डेट का कॉलम है टैक्सेबल का कॉलम है एक्सपोर्ट का कॉलम है और एग्जेम का कॉलम है तो ध्यान में याद रखना ये पॉइंट में टैक्सेबल uh, एक्सपोर्ट एक्सम्स इससे कुछ कंफ्यूजन नहीं है हमको सारे कॉलम्स प्रिपेयर करने हैं एंड वी नीड टू कैलकुलेट वो डिटरमाइन द डेट फ्रॉम विच अनिल एंड कंपनी इज लाएबल फॉर रजिस्ट्रेशन कौन से डेट से वो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल होंगे देखो कैसे सॉल्व करना है सब कुछ मैंने करके रखा है ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए देखो कैसे सॉल्व करना है मै अनिल एंड कंपनी इज लाएबल फॉर रजिस्ट्रेशन इफ टोटल टर्न ओवर क्रॉसेस द प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ रूपीज फोर्टी लैक्स तो हमने पढ़ा था कि अगर गुड्स है तो गुड्स में लिमिट कितनी है गुड्स में लिमिट है फोर्टी लैक्स अगर उसका टर्न ओवर तो एग्रीगेट टर्न ओवर फोर्टी लैक्स से ऊपर जाएगा तो उसे जी में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी बन जाएगा देखो अभी कैसे कॉलम बनाने देखो कॉलम नंबर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड और फोर्थ ये मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन में से ही बनाया है ये क्या किया है हमने सेम टू सेम क्वेश्चन में से ही बना है एक इस एक्स्ट्रा कॉलम आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो टोटल का लेकिन मैंने यहाँ पे टोटल का कॉलम प्रिपेयर नहीं किया है हमें करना क्या है जो हमारे क्वेश्चन में पॉइंट्स होंगे वो तो क्वेश्चन के पॉइंट्स को पहले सेम टू सेम कॉपी कर लेना है क्या करना है सेम टू सेम कॉपी कर लेना है फिर आपको करना क्या है देखो हमने कैसे इसको सॉल्व करना है काफ़ी सिंपल है सो so, डेट का कॉलम मैंने पूरा क्वेश्चन में से लिख दिया टैक्सेबल रूपीज ऑल्सो द क्वेश्चन एक्सपोर्ट का कॉलम भी क्वेश्चन का है एक्सम्ड का कॉलम भी क्वेश्चन का है ठीक है फिर आपको करना क्या है ये जो टैक्सेबल का कॉलम है इसको मैं ए मार्क करता हूँ एक्सपोर्ट का कॉलम बी दिस इज एक्सम का कॉलम सी फोर लैक्स ट्वेंटी एट थाउजेंड प्लस सिक्सटीन लैक्स ट्वेंटी फोर एट हंड्रेड प्लस फोर्टी टू थाउजेंड तो आपको यह आंसर मिलेगा ट्वेंटी लैक्स नाइन्टी फोर थाउजेंड दिस इज क्यूमुलेटिव का कॉलम तो हम स्कूल डेज में करते थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैसा ही कंसेप्ट है तो क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है स्टार्टिंग में हमें सबको ऐड करना है फिर उसके बाद हमें दोनों ऐड करते जाना है देखो अब ये ट्वेंटी लैख नाइन्टी फोर एट हंड्रेड है तो आपको ट्वेंटी लैख नाइन्टी फोर एट हंड्रेड के वैल्यू में ट्वेंटी लैख नाइन्टी फोर एट हंड्रेड के वैल्यू में क्या क्या प्लस करना है प्लस ये देखो सेकंड का फोर लैख एट और सिक्सटी फोर तो इसमें क्या क्या प्लस करना है प्लस फोर लैख एट थाउजेंड प्लस सिक्सटी फोर थाउजेंड ठीक है क्रॉस क्रॉस प्लस करते जाना है मतलब ये वैल्यू में ये वैल्यू प्लस करनी है और ये वैल्यू प्लस करनी है तो हमें मिलेगा ट्वेंटी फाइव लैख सिक्सटी सिक्स एट हंड्रेड फिर ट्वेंटी फाइव लैख सिक्सटी सिक्स एट हंड्रेड में फाइव लैख सेवेंटी प्लस करना है एंड थर्टी थाउजेंड प्लस करना है तो ये वैल्यू मिलेगा थर्टी वन लैख सेवेंटी टू फिर थर्टी वन लैख सेवेंटी टू में फाइव लैख फोर्टी फोर प्लस करना है थर्टी टू प्लस करना है तो मिलेगा थर्टी सेवन लैख फोर्टी एट एट हंड्रेड फिर थर्टी सेवन लैख फोर्टी एट एट हंड्रेड में थ्री लैख एटी फोर प्लस करना है ट्वेंटी फोर प्लस करना है फिर मिलेगा फोर्टी वन फिफ्टी सिक्स एट हंड्रेड इसके बाद मैंने किया नहीं क्यों नहीं किया बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो एरोमार्क्स में ये जो वैल्यू है दिस इज अबाउ फोर्टी लैक्स इसके आगे का करोगे तो फॉर्मेलिटी है हमको तो मेन ये चेक करना है कि फोर्टी लाख ,00 से ऊपर कभी क्रॉस कर रहा है तो आप यहाँ पे अगर देख सकते हो वी हैव दमाउंट फोर्टी वन लैख फिफ्टी सिक्स एट हंड्रेड तो ये जो अमाउंट है दिस इज मोर देन फोर्टी लैक्स ये कौन से मंथ में क्रॉस कर रहा है देखो ये कौन से डेट को क्रॉस कर रहा है नाइन्थ मार्च ट्वेंटी को क्रॉस कर रहा है तो 9th मार्च 2020 को अनिल एंड कंपनी का एग्रीगेट टर्नओवर बिकॉज़ वो गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो 40 लाख ,00 का टर्नओवर कब क्रॉस कर रहा है 9th मार्च 2020 को इट इज क्रॉसिंग 40 लाख सिंस वी आर गेटिंग 41,56,800 तो जिस दिन को उसका टर्नओवर 40 लाख ,00 के ऊपर जाएगा उसी दिन से वो बंदा लायबल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो मैंने कंक्लूजन लिखा The total turnover process rupees 40 lakhs hence Anil and company will be liable for registration on date likhna hai aapko, 9th March 2020. So this is the answer for your first question. I hope this is very simple only you have to prepare an extra column of cumulative. सिर्फ आपको क्यूमलेटिव का एक एक्स्ट्रा कॉलम प्रिपेयर करना है और फिर प्लस करते करते जाना है और फिर आपको ये आंसर मिल जाएगा दैट इज पॉइंट और लास्ट में इसको कंक्लूड करना है कि वो बंदा कब से लाइबल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का भी क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगा सेकेंड क्वेश्चन दिनेश एंड कंपनी इन मणिपुर कहां पर है ये मणिपुर आपको अगर पता होगा तो हमने डिस्कस किया है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का बंदा है तो ये आपको ध्यान रखना है जब भी आप रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस करोगे तो स्पेशल कैटेगरी में लिमिट अलग होती है ये भी गुड्स वाला ही बंदा है टैक्सेबल गुड्स दिया है कॉलम में देखो टैक्सेबल गुड्स और एग्जेप गुड्स तो तीन कॉलम आपको क्वेश्चन में दिए है और हमें यही फाइंड करना है फाइंड द डेट फ्रॉम विच दे आर लाएबल टू पे टैक्स कौन से दिन से वो रेबल हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए तो डेट का कॉलम टैक्सेबल गुड्स का कॉलम और एग्जेम गुड्स का कॉलम तो अब मैं आपको सोलूशन में लेके चलता हूं डायरेक्टली देखो किस तरीके से हमको करना है देखो सबसे पहले हम कंडीशन लिखेंगे दिनेश एंड कंपनी इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन इफ द टोटल टर्न ओवर प्रोसेस द प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ रूपीज ट्वेंटी लैक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपने मणिपुर ध्यान से नहीं देखा फिर गलत हो जाएगा बिकॉज अभी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको फोर्टी लैक्स बताया फोर्टी लैक्स तो नॉर्मल स्टेट्स के लिए है और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए कितना है ये फोर्टी लैक्स किसके लिए है नॉर्मल स्टेट्स के लिए और जो स्पेशल स्टेट्स है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है उसको एक बार रिवाइज कर लेना पे तो कितना है ट्वेंटी लैक्स है तो मणिपुर के लिए ट्वेंटी लैक्स तो कैसे आपको प्रिपेयर करना है देखो मैंने अभी यहाँ पे दो कॉलम एक्स्ट्रा बनाया ताकि गड़बड़ ना हो आपको भी कन्फ्यूजन ना हो आप भी दो ही कॉलम एक्स्ट्रा बनाओ फर्स्ट कॉलम डेट है सेकेंड कॉलम टैक्सेबल गुड्स है थर्ड कॉलम एग्जम्प्ट गुड्स है इतना जो कॉलम है ये आपको क्वेश्चन में दिया था क्वेश्चन में हमारे पास तीन कॉलम्स थे तो मैंने दो कॉलम एक्स्ट्रा बनाए एक है हमारा टोटल सप्लाई और एक है क्यूमिलेटिव। अभी देखो मैंने कैसे सॉल्व किया है टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्ट 960 प्लस 124 इक्वल टू 1084 680 प्लस 110 इक्वल टू 790 204 प्लस सिक्सटीन इक्वल टू टू लैक ट्वेंटी ये जो टोटल का कॉलम भी मैंने यहाँ पे बनाया ताकि हमारा लास्ट क्वेश्चन में जैसा दो दो प्लस करना पड़ा वैसे प्लस ना करना पड़े सबको प्लस किया है हमने सिंपल चीज है टैक्सेबल गुड्स प्लस एग्जेम्ड गुड्स इक्वल टू टोटल सप्लाई ठीक है नाइन लैख सिक्सटी में वन लैख ट्वेंटी फोर प्लस किया हमें मिला टेन लैक एटी फोर ऐसे मैंने लास्ट तक सारे वैल्यूज को प्लस करके कैलकुलेट कर लिया नाउ वी विल बी प्रिपेयरिंग द क्यूमुलेटिव देखो क्यूमुलेटिव हमेशा फर्स्ट ईयर का फर्स्ट में सेम रहता है टेन लैक एटी फोर तो यहाँ पे भी मैंने टेन लैक एटी फोर लिखा अब आपको क्रॉस प्लस करना है टेन लैक एटी फोर प्लस सेवन लैक नाइनटी इक्वल टू एटीन लैक सेवेंटी फोर एटीन लैक सेवेंटी फोर प्लस टू लैक ट्वेंटी इक्वल टू ट्वेंटी लैख नाइन्टी फोर ट्वेंटी लैख नाइनटी फोर प्लस फोर लैक फोर्टी एट इक्वल टू ट्वेंटी फाइव लैख फोर्टी टू ऐसे आपको प्लस करते जाना है मैं मार्क कर देता हूँ ताकि बाद में आप इसको रिवाइज कर सके ध्यान से काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक्स्ट्रा चीज सॉल्व की है बिकॉज हमारा टर्न ओवर ट्वेंटी लैक्स के ऊपर कब जा रहा है ये तो हमने यहाँ पे मैंने बोल्ड भी कर दिया है एरोमार्क भी किया है तो हमारा टर्न ओवर ट्वेंटी लैक्स के ऊपर यहीं पे जा रहा है एक्स्ट्रा आगे का पॉइंट नहीं कैलकुलेट करोगे तो भी चलेगा अब यहाँ पे कौन सी डेट है ट्वेंटी मे टू थाउजेंड ट्वेंटी तो ये बंदा जो है कब से लाइबल होगा द टोटल टर्न ओवर क्रॉसस रुपीज ट्वेंटी लैक्स हेंस दिनेश एंड कंपनी विल बी लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन ट्वेंटी 20 मे 2020 तो so, आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है दिस इज़ द कंसेप्ट रिलेटेड विद रजिस्ट्रेशन तो रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं चलो so, ऑल एक पॉइंट सप्लाई का कर देंगे अभी सर्विस वाला सोहम एंड कंपनी इन पुणे इज अ सर्विस प्रोवाइडर ध्यान से काफी इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइडर तो सर्विस प्रोवाइडर है तो लिमिट अलग होती है अगर आप गुड्स का सप्लाई करते हो तो लिमिट अलग होती है। तो ये भी सेम कैलकुलेट करो कब से लायबल होने वाला है तो ये सर्विस service, कब सर्विसेज का पॉइंट है तो सेम वे है ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं सिर्फ लिमिट का डिफरेंस मैंने यहाँ पे आपके सामने आंसर लिखा है देखो टोटल भी कॉलम कौल, सेम प्रिपेयर किया सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी फोर इक्वल टू फोर्टी यहाँ पे ट्वेल्व ही है आएगा सिक्सटी प्लस फोर्टी इक्वल टू वन लैख सर्विस के लिए लिमिट पहले ध्यान से समझो गुड्स के लिए लिमिट चालीस लाख सर्विस के लिए लिमिट कितनी है ट्वेंटी लैक्स तो वो जो रजिस्ट्रेशन के जो भी रूल्स है जो मैंने आपको एक चार्ट फॉर्मेट में सिखाए थे वो अपने बुक्स में ध्यान से लिख लेना काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अगेन द टोटल कैलकुलेट करने के बाद फर्स्ट ईयर में क्यूमुलेटिव सेम ही आता है फिर फोर्टी प्लस ट्वेल्व इक्वल टू फिफ्टी टू फिफ्टी टू प्लस वन लाख इक्वल टू वन लैख फिफ्टी टू वन लैख फिफ्टी टू प्लस फाइव लैख सिक्स इक्वल टू है नहीं करेंगे तो भी चलेगा यहाँ पे हमारा बीस लाख के ऊपर क्रॉस कर रहा है डेट है आपका फोर्टींथ जून ट्वेंटी ट्वेंटी तो कंक्लूजन लिखेंगे फिर सोहम एंड कंपनी टर्न ओवर क्रॉसेस रूपीज ट्वेंटी लैक्स दे आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन

बिजनेस फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ड्यूरिंग द मंथ ऑफ ऑक्टोबर ट्वेंटी ट्वेंटी आर दे लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर द जी एस टी तो अभी ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि क्वेश्चन में आपको बोला है कि महाराष्ट्र के पर्सन के बारे में और ये पर्सन जो है वो लाइबल होंगे कि नहीं होंगे जीएसटी के प्रोविजन्स में जो हमने प्रोविजन पड़े हैं तो द पॉइंट आर गिवन टू यू एट अक्टूबर, टेंथ अक्टूबर, सेवनटीन अक्टूबर, ट्वेंटी अक्टूबर एंड ट्वेंटी फिफ्थ ऑक्टोबर वी हैव द डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन गिवन ओवर हियर। ये जो ट्रांजेक्शन आपको अभी दिए है इसमें से हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पॉइंट टैक्सेबल है तो ध्यान से काफी सिंपल पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंट्रा स्टेट सप्लाई इंट्रा का मतलब होता है विद इन द स्टेट अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखे गुड्स सप्लाइड टू नांदेड़ महाराष्ट्र तो सभी सभी पॉइंट्स में आपको महाराष्ट्र 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 ही दिख रहा है दैट ये जो बंदा है दिस पर्सन इज डीलिंग इन इंट्रा स्टेट सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब मैंने आपको बताया था विद इन द स्टेट दैट इज वाई टू टाइप ऑफ टैक्सेस विल बी लेविड ओवर हियर वन इज सी जी एस टी एंड द अदर इज एस जी एस टी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स बहुत सिंपल है यही कॉलम्स को हमें फिर से एक बार प्रिपेयर करके एक एक्स्ट्रा कॉलम हमें प्रिपेयर करना है एंड दैट इज कॉल्ड एज क्यूमलेटिव तो cumulative का एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाएंगे सबसे पहले देखो साटे ब्रदर्स इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन इफ द दर्न ओवर क्रॉस द प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ रूपीज ट्वेंटी लैक्स केस ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स और बोथ ध्यान से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या आपको याद रखना है देखो यहां पे ट्वेंटी लैक्स है क्यू ट्वेंटी लैक्स है सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस आप कहेंगे सर गुड्स एंड सर्विसेस ये कैसे पता चला देखो ट्रांजेक्शन में दिया है अगर हम देखे तो यहाँ पे गुड्स है यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में सप्लाई है सप्लाईज है यहाँ पे अगर देखे तो यहाँ पे भी गुड्स है यहाँ पे भी सर्विसेस है तो आपको ध्यान रखना है अगर कोई भी पर्सन गुड्स का भी सप्लाई करता है और सर्विसेज का भी सप्लाई करता है तो उसके लिए प्रिस्क्राइब लिमिट कितनी है उसके लिए प्रिस्क्राइब लिमिट है ट्वेंटी लैक्स तो सिंपल चीज़ है जैसे डेट का कॉलम आपके क्वेश्चन में था वही सारे डेट्स मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिए पर्टिकुलर्स का कॉलम जो आपका क्वेश्चन में है वही सारे पर्टिकुलर्स का पॉइंट कॉपी कर लिया अमाउंट का पॉइंट भी क्वेश्चन से ही किया है देन आई हैव कैलकुलेटेड द क्यूमलेटिव तो क्यूम्यटिव कैसे ढूंढना है मैंने आपको बताया था तो थ्री लैख सेवेंटीन का थ्री लैख सेवनटीन लिखा फिर इसको और इसको प्लस करना है तो फाइव लैख ट्वेंटी सेवन आएगा फाइव लैख ट्वेंटी सेवन प्लस इलेवन लैक फिफ्टी सिक्सटीन लैख सेवेंटी सेवन सिक्सटीन लैख सेवेंटी सेवन प्लस थ्री लैख फिफ्टी इट्स ट्वेंटी लैख ट्वेंटी सेवन फाइव हंड्रेड तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट बिकॉज यही हमारे लिए ट्वेंटी लैक्स को क्रॉस कर रहा है बाकी भी एक चीज सॉल्व करके रखिए ट्वेंटी लैख ट्वेंटी सेवन फाइव हंड्रेड प्लस वन लैख सेवेंटी फाइव तो दिस इज द्वेंटी टू लैक्स टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो रूल क्या कहता है कि उसका जो भी है एग्रीगेट टर्न जो है वो बीस लाख से ऊपर जाना चाहिए तो कौन से डेट को बीस लाख से ऊपर जा रहा है तो यहां पे हम देखेंगे ट्वेंटी अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी को ट्वेंटी लैक्स क्रॉस क्रॉस कर रहा है दैट इज वाई कंक्लूजन क्या लिखेंगे द टोटल टर्न ओवर क्रॉसेस रूपीज ट्वेंटी लैक्स साठे ब्रदर्स विल बी लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 20 अक्टूबर 2020 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है 20 अक्टूबर 2020 को वो लायबल हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए सो so अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ गुड्स है तो 40 लैक्स की लिमिट है ओनली सर्विसेज है तो 20 लैक्स की लिमिट है गुड्स एंड सर्विसेज दोनों है तो 20 लैक्स की लिमिट है ठीक है और एक क्वेश्चन देखेंगे इसी टाइप का uh, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जिसे हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कहते हैं इन दी रजिस्ट्रेशन पॉइंट मेसर्स रोहन रेसिडेंट ऑफ त्रिपुरा प्रोड्यूस प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सप्लाईज मेड बाय हिम डिटरमाइन हिज एलिजिबिलिटी अंडर जी एस टी रिलीवेंट जी एस टी लॉ तो अगर आप ध्यान रखो तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में त्रिपुरा दिया हुआ है त्रिपुरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है इसका मतलब ये स्पेशल कैटेगरी है और स्पेशल कैटेगरी में मैंने आपको क्या बताया था कितनी लिमिट है टेन लैक्स की लिमिट है, है ठीक की लिमिट अप्लाई हम करेंगे Now, these are the points given, तो इसमें थोड़े से नए नए मत हो, कर, करना इसके related, कि जो भी पॉइंट हम अभी पढ़ने वाले हैं काफी सिंपल है लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है देखते हैं अभी ठीक है इसको देखो कैसे सॉल्व करना है रोहन इज कवर्ड अंडर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एंड ही विल बी लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन इफ द टोटल टर्नओवर क्रॉसेस कवरिंग अंदर द स्पेशल कैटेगरी स्टेट त्रिपुरा जितने भी पॉइंट्स थे सारे के सारे पॉइंट्स टैक्सेबल है एक छोड़ के और वो है पहला पॉइंट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं इसीलिए यहाँ पे नील आया बाकी सारे पॉइंट्स मैंने जैसे थे वैसे लिख दिए आप कहेंगे सर यहाँ पे एटीन परसेंट लिखा है एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी लिखा है उसका कुछ फिलहाल काम नहीं है जैसे पॉइंट्स दिए हुए हैं वैसे के वैसे हमें को सारे के सारे पॉइंट्स कॉपी करने हैं देन हमें टोटल करना है फिर हमने टोटल कर लिया यहाँ पे मैंने टोटल का ये कॉलम बना दिया क्यूमलेटिव का कॉलम नहीं बनाया आप क्यूम्यटिव भी बना सकते हो फोर्टीन लैख थर्टी थाउजेंड टोटल जो हमारे टेन लैक्स को क्रॉस कर रहा है डेट इस क्वेश्चन में नहीं दिया है इसीलिए ये बंदा तो लायबल हो जाएगा लेकिन डेट नहीं दिया हुआ तो कंक्लूजन में लिखेंगे रोहन क्रॉसेस द लिमिट ऑफ रूपीज टेन लैक्स ही विल बी लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन सिंस

तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी आप कहेंगे सर ये इम्पोर्टेंट पार्ट क्यों है प्लेस ऑफ सप्लाई वाइड इज इंपॉर्टेंट तो ध्यान से समझते हैं पहले अगर हम सप्लाई की बात करते हैं तो हमने सप्लाई के बारे में दो चीजें सीखी थी क्या सीखा था हमने सप्लाई जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ठीक है ना दो पार्ट्स में डिवाइडेड है थोड़ा सा अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर लेते हैं इसको ताकि आपको प्रॉपरली फिर क्या हो जाए समझ में आ जाए तो सप्लाई की अगर बात करें तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है एक होता है हमारा इंटर स्टेट सप्लाई ठीक है कौन सा है हमारा इंटरस्टेट सप्लाई और दूसरा हमारा होता है इंट्रा स्टेट सप्लाय वी टू टाइप्स ऑफ सप्लाई नंबर वन इज कॉल्ड एज इंटर स्टेट एंड नंबर सेकेंड इज कॉल्ड एज इंटरा स्टेट आई होप की ये कंसेप्ट तो आपके अभी क्लियर हुए ही रहेंगे कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं देखो इंटरस्टेट और इंटरा स्टेट में अगर हम देखें तो बेसिकली इसको याद रखने का एक तरीका मैंने आपको बताया था इंटरस्टेट जो सप्लाई है वो आउटसाइड द स्टेट का सप्लाई है आउटसाइड द स्टेट मतलब क्या है इसमें ना दो स्टेट्स इन्वॉल्व होंगे टू स्टेट्स विल बी इन्वॉल्व तो अगर दो स्टेट्स इन्वॉल्व है तो दैट इज कॉल्ड एज इंटर स्टेट सप्लाई और अगर सप्लाई विद इन द स्टेट है विद इन द स्टेट का मतलब एक ही स्टेट में अगर आप सेल कर रहे हो तो उसे हम कहेंगे स्टेट सप्लाई तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लू अगर तो एग्जाम्पल में अगर हम देखें कि हम मुंबई से गुड्स को बेच रहे हैं मुंबई से हमने क्या किया गुड्स को सेल कर दिया कहाँ सेल कर दिया से फॉर एग्जाम्पल हमने गुजरात में सेल कर दिया अगर हम मुंबई से गुजरात में सेल कर रहे हैं गुड्स तो यहाँ पे कितने स्टेट्स इन्वॉल्व है तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो दो स्टेट्स इन्वॉल्व so whenever two states are involved it is called as interstate supply and whenever only single state is involved ek hi state mein agar aap goods bechoge to use hum kya kahenge use hum kahenge intra state supply तो ये problem क्या है sir आप कहेंगे कि बार बार sir हमको एक ही चीज आज बता रहे हो कि इंट्रा स्टेट इंटर स्टेट तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए तो हमने लास्ट टाइम देखा था वो सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए इसके लिए हमने क्या किया था एक थेरोटिकल बेस ऑलरेडी समझ लिया तो अगर हम ध्यान से देखें इसको तो यहाँ पे मुंबई भी इन्वॉल्व है और यहाँ पे गुजरात इन्वॉल्व है तो प्रॉब्लम क्या होता है प्लेस ऑफ सप्लाई में अगर आपने गलत प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड कर लिया तो प्रॉब्लम ये होगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई गलत होने की वजह से कौन से टाइप का टैक्स लगेगा वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है अगर हम मुंबई में गुड्स बनाएंगे और गुजरात में बेचेंगे तो गुजरात के लिए ये जो टैक्स है वो गुजरात गवर्नमेंट को थोड़ा मिलेगा थोड़ा सा टैक्स इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और इसमें कौन से टाइप का टैक्स लगेगा इट विल बी आई जी एस टी विच इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो ऐसे केस में कौन सा टैक्स लगेगा इट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगेगा और अगर हम इंट्रा स्टेट की बात करें तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल एक लेंगे अगर हमने से फॉर एग्जाम्पल मुंबई में गुड्स बनाए और मुंबई से हमने गुड्स को सोल्ड कर दिया से फॉर एग्जाम्पल नागपुर में कर दिया अगर हम मुंबई से गुड्स को सेल कर रहे हैं नागपुर में तो इफ यू कैन चेक ओवर हियर मुंबई भी महाराष्ट्र में है और नागपुर भी महाराष्ट्र में है ऐसे केस में कौन सा टैक्स लगता है ऐसे केस में लगता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दिस इज द सिंपल कांसेप्ट ऑफ द पार्ट रिलेटेड टू सप्लाई अब जो प्लेस ऑफ सप्लाई के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा हम देखेंगे देखो प्लेस ऑफ सप्लाई में कैसे टाइप का पार्ट रहता है वो पहले ध्यान से समझ लेते कि प्लेस ऑफ सप्लाई एक्चुअली होता क्या है तो इसको थोड़ा सा हम चार्ट से समझते हैं तो किस तरीके से प्लेस ऑफ सप्लाई है अगर हम प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करें तो अगेन वही पार्ट है थोड़ा सा इसको प्रॉपरली समझते हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज इम्पॉर्टेंट अगर हम प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करें तो प्लेस ऑफ सप्लाई में दो पॉइंट्स हैं हमारे एक है हमारा फर्स्ट पॉइंट और दूसरा जो पॉइंट है दैट इज द सेकेंड वन ठीक है अभी हम अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है प्लेस ऑफ सप्लाई रिलेटेड टू गुड्स और दूसरा जो पॉइंट है दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई रिलेटेड टू योर सर्विसेज तो एक है हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई रिलेटेड टू गुड्स और दूसरा पॉइंट है हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई रिलेटेड टू सर्विसेस काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई रिलेटेड टू जो गुड्स है वो फर्दर दो पॉइंट्स में डिवाइड होगा ठीक है ये फर्दर किस में डिवाइड होगा दो पॉइंट्स में डिवाइड होने वाला है अगर हम फर्स्ट वाला पॉइंट देखें तो दैट इज सप्लाई विद इन इंडिया ये क्या है सप्लाई विद इन इंडिया ठीक है इसमें सिंपल चीजें हैं सप्लाई हम इंडिया के इंडिया में ही करेंगे इसके लिए अगर हम बात करें तो सेक्शन अंडर सेक्शन टेन जो सेक्शन टेन है वो तो इसके लिए कवर होता है और ये सेकेंड पार्ट जो है दैट इज रिलेटेड विद योर इम्पोर्ट एंड दैट इज रिलेटेड विद योर एक्सपोर्ट तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट इसमें कवर अप होते हैं एंड इफ यू सी यहाँ पे आपका सेक्शन जो है इलेवन कवर अप होता है अगर हम आगे बढ़े और सर्विसेज की बात करें तो ध्यान से काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्विसेज में भी दो पॉइंट्स है सर्विसेज में भी आपके दो पॉइंट्स कवर अप होंगे एक फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें आएगा अगर आपका लोकेशन जो है लोकेशन ऑफ सप्लायर ध्यान से लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड जो लोकेशन ऑफ रेसिपियंट है लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रेसिपियंट ये दोनों के दोनों अगर पॉइंट जो है डेट इज इन टैक्सेबल टेरिटरी ये किस में है ये है आपके टैक्सेबल टेरिटरी में दोनों के दोनों पॉइंट तो यहाँ पे आपका सेक्शन थर्टीन कवर अप होगा तो सेक्शन थर्टीन विल बी कवर ओवर हियर और अगर हम सेकेंड पार्ट देखें तो जो आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर है या फिर आपका जो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है इनमें से कोई भी एक या दोनों भी हो सकते हैं नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में होगा तो यहां पे आपका कौन सा सेक्शन कवरअप होगा यहां पे आपका सेक्शन यहाँ पे आपका सेक्शन ट्वेल्व कवर अप होगा मैंने थर्टीन लिखा यहाँ पे ट्वेल्व अप होगा और यहाँ पे आपका सेक्शन थर्टीन अप होगा ध्यान से काफी इंपॉर्टेंट तो ये दो पॉइंट है गुड्स एंड सर्विसेस तो इफ यू सी सप्लाई विद इन इंडिया तो दैट विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन टेन सप्लाई रिलेटेड विद इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट दैट विल बी कवर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन इलेवन इफ यू सी द सर्विसेस वी है लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द लोकेशन ऑफ द रेसिपियंट will be in the taxable territory under section 12 will be covered over here and अगर आपका location और आपका जो recipient है उनमें से कोई भी एक non-taxable territory में रहा तो फिर under section 13 wahan pe cover up हो जाएगा अभी हम थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल वाइज समझते ध्यान से काफी सिंपल parts में आपको समझाने का ट्राई करता हूँ ताकि आपको सिंपल चीज समझ में आ जाए ठीक है अभी हम क्या करते हैं एक एग्जाम्पल से समझ ये है मिस्टर ए यहाँ पे बैठा हुआ है बॉक्स में मिस्टर ए जो है वो बंदा जो है वो मुंबई का है मिस्टर ए कहाँ का है मुंबई का है और मिस्टर ए ने क्या किया गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करके मुंबई में इसने गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कर लिए और ये थोड़ा सा अच्छी तरीके से ये अपना बॉक्स आ गया ये यहाँ पे बैठा हुआ है मिस्टर बी ये दूसरे बॉक्स में बैठा हुआ है मिस्टर बी और ये जो मिस्टर बी है ये बंदा जो है ये बंदा आपका रहता है गुजरात में ठीक है कहाँ रहता है गुजरात तो मिस्टर ए ने गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग कर लिया और मिस्टर बी को उसने सप्लाई कर दिए टेन लैक्स के गुड्स तो अभी आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स सेंड कर दिए अब मिस्टर बी के पास गुड्स आ गए अब बताइए प्लेस प्लेस ऑफ ऑफ सप्लाई सप्लाई क्या क्या होगा मुंबई होगा या फिर प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात होगा तो मैंने सिंपल तरीका आपको बताया था जीएसटी क्या है जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बेसिकली तो ये तो प्रॉब्लमेटिक नहीं है अगर हम मिस्टर ए की बात करें तो मिस्टर ए इज इन मुंबई एंड सेंडिंग दी गुड्स ऑफ रूपीज टेन लैक्स टू मिस्टर बी मिस्टर बी क्या है गुजरात का है तो आपका इस क्वेश्चन में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा तो इस क्वेश्चन में आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी गुजरात क्या बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी गुजरात और सिंस प्लेस ऑफ सप्लाई इज गुजरात कौन से टाइप का टैक्स लगेगा इसके ऊपर आई मतलब क्या है कि अगर हम ध्यान से समझे तो प्लेस ऑफ सप्लाई का यूज क्या है प्लेस ऑफ सप्लाई का यूज यह है कि प्लेस ऑफ सप्लाई से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर सी जी एस टी एस जी एस टी विल बी एप्लीकेबल और वेदर आई जी एस टी विल बी एप्लीकेबल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन ठीक है अभी दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए चलो दूसरे एग्जाम्पल में जाते हैं दूसरा एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट यही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करता हूं ये इधर ए बैठा हुआ है ये इधर बी बैठा हुआ है बाद में उसके अंदर लिख लेंगे और ये इनके बीच में इधर सी भी आ गया है ठीक है तीन लोग बैठे हुए हैं ध्यान से समझते हैं दिस इज मिस्टर ए दिस इज मिस्टर बी एंड दिस वन इज मिस्टर सी मिस्टर ए कहाँ का बंदा है मिस्टर ए हमारा मुंबई में रहता है महाराष्ट्र का बंदा है मिस्टर बी कहाँ का है मिस्टर बी है आपका गुजरात का बंदा ठीक है और मिस्टर सी जो है वो कोलकाता में रहता है अब मिस्टर ए मिस्टर बी और मिस्टर सी अगर हम ध्यान से देखें तो तीनों के तीनों डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में है मिस्टर ए जो है ही इज द सप्लायर बिकॉज ही इज सप्लाइंग द गुड्स ठीक है मिस्टर ए क्या है सप्लायर है अभी मिस्टर ए ने ध्यान से मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स क्या करने हैं सप्लाई करने है तो मिस्टर ए ने क्या किया मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स सप्लाई किए एग्जाम्पल सेम है हमारा टेन लैक्स के गुड्स को सप्लाई कर दिया अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को टेन लैक्स के गुड्स को सप्लाई करता है तो हमने अभी सीख लिया कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा गुजरात दैट इज वेरी सिंपल एग्जाम्पल आई तो उससे तो आपका पॉइंट क्लियर हो गया कि प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात बनेगा अब थोड़ा लाते कहानी में ट्विस्ट कहानी में ट्विस्ट यह है कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को जो गुड्स भेजने हैं तो मिस्टर बी बोलता है एक काम कर ले मिस्टर ए मेरे बिहाफ पे तू गुड्स जो है वो मिस्टर सी को भेज दे किधर भेज दे मिस्टर सी को भेज दे ठीक है मिस्टर ए क्या कहता है मिस्टर बी को सी को भेजू चलेगा कोई इशू नहीं है मिस्टर बी कहता है यस तू मुझे गुड्स मत भेज तू मेरे बिहाफ पे भेज क्या बोला मैंने मेरे बिहाफ पे गुड्स किसको सेंड कर दे सी को सेंड कर दे क्वेश्चन गुड्स किसके पास गए मुंबई से गुड्स किसके पास गए कोलकाता में गए हैं। मुंबई से गुड्स किसके पास गए कोलकाता में गए अभी थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि अगर ऐसे केस में आपको प्लेस ऑफ सप्लाई पूछा जाए तो क्या होगा अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका पॉइंट चेंज करके बता दूं, तो देखो ध्यान से समझो हम एक अजम्शन लेते हैं ये गुजरात को कट कर लेता हूं मैं और समझो मिस्टर बी जो है मिस्टर बी नागपुर का है कहाँ का है मिस्टर बी नागपुर का है अब सेम कंडीशन सेम सीनैरियो है मैंने सिर्फ उसको चेंज करके नागपुर कर दिया ताकि आपको ये फंडा समझ में आए एग्जैक्टली कि मैं कहना क्या चाहता हूं मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स सेंड किए थे टेन लैक्स ,00 के लेकिन मिस्टर बी कहता है कि तू नागपुर में गुड्स मत सेंड कर ले तू काम करे को बोलता है कि मिस्टर ए मेरे बिहाफ पे तू मिस्टर सी को गुड्स भेज देना और सी जो है वो कोलकाता का है अभी प्रॉब्लम ये अराइज होगा अभी मैं आपको क्वेश्चन एक पूछ रहा हूँ कि बताइए प्लेस ऑफ सप्लाई इस सिचुएशन में क्या होगा वॉट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई तो तो का है मुंबई से गुड्स गए कोलकाता में तो फिर कौन सा होगा प्लेस ऑफ सप्लाई कोलकाता होगा अगर आप मुझे कहते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई कोलकाता होगा तो फिर हम अगर देखे तो रूल कहता है मुंबई एक स्टेट है कोलकाता एक स्टेट है तो अगर हम देखें यहां पे कौन से टाइप का सप्लाई कवर हो रहा है यहां पे इंटर स्टेट सप्लाई है और जहां पे भी इंटर स्टेट सप्लाई होता है वहां पे कौन सा टैक्स लगता है आईजीएसटी लगता है बट अगर आप मुझे कहते हैं कि सर प्लेस ऑफ सप्लाई सर नागपुर है तो नागपुर और मुंबई दोनों के दोनों महाराष्ट्र में है अगर हम नागपुर को प्लेस ऑफ सप्लाई अज्यूम करें तो फिर आपका जो सप्लाई होगा वो कौन सा होगा वो आपका रहेगा स्टेट सप्लाई और वहां पे सी जी एस प्लस एसजीएसटी अप्लाई होगा और वहां पे अगर सी एस और एसजीएसटी अप्लाई होगा तो वो स्टेट सप्लाई माना जाएगा लेकिन इस केस में अगर आपने सप्लाई गलत मान लिया तो प्रॉब्लम क्या होगा आप कहेंगे सर कोई इशू नहीं है आप सप्लाई कोई भी मान लो टैक्स तो गवर्नमेंट को ही भरना है आपको अगर हमने सप्लाई गलत मान लिया तो वी विल बी चार्जिंग डिफरेंट टैक्स वी विल बी चार्जिंग आईजीएसटी हमें चार्ज करना चाहिए था सीजीएसटी और एसजीएसटी और हमने चार्ज कर लिया आईजीएसटी तो तो ऐसे केस में प्रॉब्लम एक ही होता है ऐसे केस में प्रॉब्लम क्या होता है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होती है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट होता है वो नहीं मिलता तो इसीलिए आपको ये प्लेस ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट ध्यान से समझना है जो मैंने आपको बताया तो इस केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो कोलकाता नहीं बनेगा इस केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी नागपुर आप कहेंगे सर क्यों नागपुर गुड्स तो गए कोलकाता तो नागपुर क्यों ले रहे हो तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई नागपुर इसीलिए है कि जो हमारा नागपुर का मिस्टर बी था उसके बिहाफ पे मैंने गुड्स मिस्टर सी को दिए हैं कोलकाता के तो यहाँ पे जो कंसेप्ट अप्लाई होता है दैट इज ऑफ थर्ड पर्सन तो थर्ड पर्सन जो है थर्ड पर्सन मतलब जो पर्सन है जिसके बिहाफ पे हम किसी और को गुड्स सेंड कर रहे हैं ट्रांसफर कर रहे है सप्लाई कर रहे है तो हु इज दैट पर्सन इन दिस एग्जाम्पल मिस्टर बी इज द पर्सन इन दिस एग्जाम्पल सो मिस्टर बी इज सेंडिंग द गुड्स मिस्टर बी इज गिविंग अस द अथॉरिटी टू सेंड द गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ मिस्टर बी टू मिस्टर सी एंड दैट इज वाई हियर इन दिस एग्जाम्पल द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बीपुर

किसके बेसिस पे आपको पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं अगर मैं ध्यान से देखू कि गुड्स की अगर बात करें गुड्स की तो गुड्स में दो चीजें कवर होती है देर आर टू टाइप्स कवर्ड अंडर द कंसेप्ट ऑफ गुड्स वन फर्स्ट पॉइंट इज जहां पे गुड्स का मूवमेंट हो रहा है मूवमेंट का मतलब क्या होता है गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहे हैं और दूसरा जो है वो है गुड्स का मूवमेंट ही नहीं हो रहा फिर भी सप्लाई है ठीक है सिंपल है अगर आपको एक टीवी वी करना है टेलीविजन तो आप क्या करेंगे आप एक शॉप में जाएंगे हम जो अभी बहुत बड़े बड़े शॉप से हम एक विजय सेल्स का एग्जांपल लेते हैं वी हैव विजय सेल्स विजय सेल्स के शॉप में आप गए बहुत सारे टेलीविजन आपको वहां देखने मिले सो so, आपने विजय सेल्स के शॉप में गए विजय सेल्स का शॉप से फॉर एग्जांपल उनके बहुत सारे ब्रांचेस है आप मुंबई के विजय सेल्स में गए आप मुंबई के विजय सेल्स में जाओगे वहां पर एक सेल्स रहेगा सेल्स बोलेगा येस सर विच काइंड ऑफ टेलीविजन यू आर इंटरेस्टेड वो सारे हमको डेमो देगा और वो जो टीवी था वो टीवी कौन से शॉप में था से फॉर एग्जाम्पल वो मुंबई के शॉप में था तो वो मुंबई के शॉप में जो टीवी था वो आप वहां के मुंबई के शॉप से ही परचेस करते हो तो गुड्स वहीं पे थे और वहीं से आपने परचेस कर लिए मतलब वहां पे क्या है नो no मूवमेंट है मूवमेंट नहीं है ना गुड्स का जब आप उसको अपने घर पे लेके आओगे तो उसका मूवमेंट होगा लेकिन गुड्स वहीं पे थे लेकिन मूवमेंट के फैक्टर में क्या था हमारा एग्जाम्पल मूवमेंट के फैक्टर में गुड्स जो है एक स्टेट से एक स्टेट से क्या हो रहा है दूसरे स्टेट में जा रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल कर रहा है तो गुड्स का फिजिकल मूवमेंट हो रहा है तो अगर गुड्स का फिजिकल मूवमेंट होगा तो भी आपको ध्यान रखना है गुड्स का अगर मूवमेंट नहीं होगा तो भी आपको ध्यान रखना है नो no मूवमेंट में तो बहुत सिंपल है कि अगर हम विजय सेल से टेलीविजन को ले रहे हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई माना जाएगा सो एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है जिससे आप अपने मैटर्स को क्लियर अप कर सकते हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं देखो आपने बहुत सारे टेलीविजन्स पे आर्टिस्ट के प्रोग्राम्स देखे होंगे अगर हम एग्जाम्पल ले तो एग्जाम्पल में है हमारा पर्सन और वो है हमारा कपिल शर्मा ठीक है कपिल शर्मा आपने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा बहुत सारा कॉमेडी के जो प्रोग्राम्स है वो देखे होंगे तो उसमें कॉमेडी आर्टिस्ट जो है ही इज द आर्टिस्ट ठीक है ये कौन है आर्टिस्ट है अभी इसने मुंबई में फ्लैट लिया है तो ये मुंबई में रहता है अब ये जो कपिल शर्मा है ये क्या करता है बड़े बड़े इवेंट्स में परफॉर्म करता है तो ये कपिल शर्मा ने अपने इवेंट के लिए मुंबई से ये कहाँ गया मुंबई से ये अपने इवेंट परफॉर्म करने के लिए चलो देख एग्जांपल लेते हैं मुंबई से ये गया दिल्ली कहाँ गया मुंबई से दिल्ली गया किस लिए गया मुंबई से दिल्ली किस लिए गया वो इवेंट के लिए उसका इवेंट था वहां पे दिल्ली में रहता है मुंबई में इवेंट के लिए दिल्ली गया है अगर इवेंट के लिए वो दिल्ली गया है तो आपको मैं अगर पूछूं कि बताइए इस एग्जाम्पल में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा वॉट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई कपिल शर्मा कॉमेडी आर्टिस्ट स्टेन मुंबई ट्रेवल्स टू डेली फॉर एन इवेंट तो वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल दिया है मैंने ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो इस कंसेप्ट में अगर हम बात करें तो इस कंसेप्ट में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा तो इस कंसेप्ट में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई होगा दिल्ली क्यू दिल्ली होगा बिकॉज आर्टिस्ट के बेसिस पे अगर देखा जाए तो आर्टिस्ट जहां जाके परफॉर्म करता है उसी प्लेस को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है सो आर्टिस्ट इज परफॉर्मिंग इन दिल्ली द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दिल्ली आर्टिस्ट इज परफॉर्मिंग इन मुंबई द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई आर्टिस्ट इज परफॉर्मिंग इन गुजरात द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी गुजरात तो डू रिमेम्बर दिस आर्टिस्ट का हमने पॉइंट यहाँ पे देख लिया है अभी कभी कभी क्या होता है बड़ी बड़ी मशीन्स होती है ठीक है अभी हम दूसरा टाइप का सीनरियो देखते है जो नॉर्मली पूछा जाता है ये है मिस्टर एक्स लेते हैं अभी बार बार ए का एग्जाम्पल अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम मिस्टर एक्स लेक है ये मिस्टर एक्स बैठा है इधर बॉक्स के अंदर मिस्टर एक्स है यहाँ पे और यहाँ पे एक दूसरा बंदा बैठा है बॉक्स के अंदर इसको हम मिस्टर वाई के नाम से जानते मिस्टर एक्स जो है वो मुंबई का है सेम एग्जांपल को ही कंटिन्यू कर रहा हूं मिस्टर वाई जो है वो हमारा दिल्ली का पर्सन है मिस्टर वाई कहाँ का है मिस्टर वाई हमारा है दिल्ली का और ये मिस्टर वाई का ऑफिस है वो है पंजाब में कहाँ पे है पंजाब में है अब मिस्टर एक्स जो है मिस्टर एक्स इज डूइंग व्हाट मिस्टर एक्स इज सेलिंग अ मशीनरी ये क्या कर रहा है मिस्टर एक्स मशीन को सेल कर रहा है सेलिंग अ मशीन ऑफ टेन करोरस दस करोड़ की मशीन है काफी बड़ी मशीन है जो वाई को सेल करनी है। वाई कहता है कि ये जो मशीन है मिस्टर एक्स एक काम करना दिल्ली में मत सेंड करना वो सेंड करना मेरा जो ऑफिस है पंजाब में वहां पे आप सेंड करिए लेकिन प्रॉब्लम यह है इस सिचुएशन में कि जो ये मशीन है ये मशीन इतनी बड़ी है ह्यूज मशीन है दिस इज ह्यूज मशीन और ये इतनी बड़ी मशीन है कि यह मशीन पूरी की पूरी हम पंजाब एक बार में लेके नहीं जा सकते अगर हमें मशीन को लेके जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा मशीन के स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को मशीन को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में रिकॉर्ड करके स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को करके वहां पे पंजाब लेके जाना पड़ेगा और वहां जाएंगे हम और वहां पे इंस्टॉल कर देंगे तो हमने सेम मिस्टर वाई ने हमको कहा ठीक है कोई इशू नहीं है आप मशीन के लिए ट्रांसपोर्ट में उसको डालिए और पंजाब में लेके आइए तो हमने कहा सर पूरी की पूरी मशीन एक साथ नहीं आ सकती हम उसके पार्ट्स को लेके आएंगे और मिस्टर वाई जो हमारा आपका जो ऑफिस है पंजाब में वहां आके हम इंस्टॉल करेंगे या असेंबल्ड करेंगे ठीक है इंस्टॉल्ड करेंगे या क्या करेंगे असेंबल्ड करेंगे तो ये दो वर्ड्स यहां पे मैं ध्यान से लिखता हूं हम वहां पे आएंगे और वहां पे क्या करेंगे इंस्टॉल्ड करेंगे या फिर असेंबल्ड करेंगे तो अगर हम इंस्टॉल्ड या असेंबल्ड कर रहे हैं तो ऐसे केस में बताइए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा सो डू रिमेंबर दिस कि ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा पंजाब ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई पंजाब माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई डेली नहीं होगा वाई बिकॉज वेन एवर द गुड्स आर इंस्टॉल्ड और असेंबल्ड द प्लेस वेर द गुड्स आर इंस्टॉल्ड और असेंबल्ड विल बी कंसिडर्ड एज द प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पर हम गुड्स को इंस्टॉल्ड करेंगे या जहां पे हम गुड्स को असेंबल्ड करेंगे वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो यूजुअली आपके पेपर में पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे सोचते हैं कि मिस्टर वाइट टू दिल्ली का है और प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली कर देते हैं ऐसा नहीं है जहां पे भी हम प्लेस ऑफ सप्लाई को कंसिडर करने वाले हैं इस एग्जाम्पल में वो होगा इंस्टॉलेशन का प्लेस या असेंबल्ड का प्लेस जहां असेंबल्ड होगा जहां इंस्टॉलेशन होगा वही पार्ट को हम प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू यू ठीक है और एक एग्जाम्पल लेते हैं इम्पोर्ट वाला तो ताकि जो बेसिकली जो मेजर मेजर पॉइंट है वो आपके कवर अप हो जाएंगे ठीक है ये एक बंदा है इधर मिस्टर ए लेंगे फिर से एक बार मिस्टर ए जो है वो हमारा मुंबई में है ठीक है मिस्टर ए कहां का है मुंबई का है और ये जो मिस्टर ए है ये दूसरा बंदा है ये दूसरे बंदे का नाम है मिस्टर थॉमस थोड़ा फॉरेनर का नाम लेते हैं मिस्टर थॉमस और मिस्टर थॉमस जो है वो हमारे सिंगापुर के है कहां पे है सिंगापुर और मिस्टर थॉमस क्या कर रहे हैं मिस्टर थॉमस मिस्टर ए को गुड्स सेल कर रहे हैं मिस्टर ए को क्या कर रहे हैं गुड्स सेल अभी ध्यान से समझना ये कंसेप्ट क्या कहना चाहता है थॉमस जो है हमारे थॉमस है सिंगापुर में मिस्टर ए मुंबई में है मतलब मिस्टर ए इंडिया के है मिस्टर ए इज इन इंडिया और थॉमस गुड्स को सेल कर रहे हैं तो ऐसे केस में तो इंपोर्ट का फैक्टर है ज्ञान में काफी इंपॉर्टेंट इम्पोर्ट import का फैक्टर है ना ये सो ऐसे केस में क्या है इंपोर्ट का कंसेप्ट है थॉमस जो है थॉमस से हम इंपोर्ट कर रहे हैं कौन इंपोर्ट कर रहा है मिस्टर ए जो है मुंबई का वो इंपोर्ट कर रहा है लेकिन ये जो मुंबई का पर्सन है इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है मुंबई में हा? ये भी मैं आपको एक बार यहां पे लिख लेता हूं इसका रजिस्टर्ड ऑफिस पे है मुंबई में है अभी थॉमस ने गुड्स को सेल कर दिया गुड्स को सप्लाई कर दिया और ये हमारा मुंबई एयरपोर्ट है समझो ये हमारा मुंबई एयरपोर्ट है ठीक है दिस इज वॉट दिस इज अवर यहां पे कर दिस इज एयरपोर्ट तो यह हमारा मुंबई का एयरपोर्ट है एक एग्जाम्पल के लिए समझ लेना ऐसा कुछ एयरपोर्ट नहीं है लेकिन आपके एग्जाम्पल गुड्स डायरेक्टली थॉमस के बेसिस पे मिस्टर ए के पास नहीं जाएंगे गुड्स कैसे आएंगे गुड्स यहां से एयरपोर्ट में आएंगे और एयरपोर्ट से गुड्स कहां आएंगे मिस्टर ए के रजिस्टर्ड ऑफिस पे आएंगे अब मिस्टर ए जो है उसका उसका एक ब्रांच है ठीक है क्या है उसका एक ब्रांच है गुजरात में ये उसका यूनिट है ये उसका यूनिट वन है और ये उसका दूसरा इधर दूसरा यूनिट देखते हैं दिस इज यूनिट टू ये उसका मध्य प्रदेश में है तो थॉमस ने एयरपोर्ट पे गुड्स सेंड कर दिए और मिस्टर ए ने क्या किया गुड्स एयरपोर्ट से उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे नहीं लाए एयरपोर्ट से सीधे गुड्स कहाँ सेंड कर दिए कुछ गुड्स गुजरात भेज दिए और कुछ गुड्स को उसने उनके यूनिट नंबर टू पे मध्य प्रदेश में सेंड कर दिया ठीक है कंसेप्ट ध्यान से समझना काफी इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया तो आपको फिर प्लेस ऑफ सप्लाई में कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगा थॉमस सिंगापुर का बंदा है थॉमस से मिस्टर ए ने क्या कर दिया इंपोर्ट कर दिया मिस्टर ए का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है लेकिन गुड्स डायरेक्टली थॉमस सिंगापुर से भेजेगा और मिस्टर ए के मुंबई रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं आएंगे पहले एयरपोर्ट पे आएंगे तो एयरपोर्ट मुंबई के एयरपोर्ट पे गुड्स आ गए मुंबई के एयरपोर्ट पे गुड्स आने के बाद अभी उसने क्या कर दिया एयरपोर्ट से ही गुड्स को भेज दिया गुजरात में उसका एक यूनिट गुजरात में है और दूसरा यूनिट उसका एम में है तो दोनों के दोनों यूनिट्स में उसने गुड्स को सेंड कर दिया अब ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा तो सिंपल है आपको सिंपल चीज याद रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूं एंड दैट इज इंपोर्ट में प्लेस ऑफ सप्लाई हमेशा रजिस्टर्ड ऑफिस होता है जो इंपोर्टर का होगा तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है इंपोर्टर का मुंबई बिकॉज वो मुंबई का बंदा है रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है फिर गुड्स कहीं पे भी सेंड करे उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा मुंबई माना जाएगा गुजरात और एमपी माना नहीं जाएगा दिस इज द पॉइंट आई होप दिस एग्जांपल से आपका प्लेस ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट क्लियर हुआ रहेगा सो दैट वाज द पार्ट व्हिच वी हैव लर्न अबाउट द प्लेस ऑफ सप्लाई सो इफ यू थिंक दैट दिस एग्जाम्पल से आपके पॉइंट्स क्लियर हुए हैं तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चले हम किस तरीके से प्रिपेरेशन कर रहे हैं ज ए रूल वेरी इंपॉर्टेंट जो लेटेस्ट रूल है उसी से हम सारी डिटेल्स को फॉलो करने वाले हैं तो एज पर रूल एटी एट ए द इनपुट टैक्स ऑन अकाउंट ऑफ आई जी एस टी शैल बी फर्स्ट यूटिलाईज आई जी एस टी रिमेनिंग इफ एनी शेल बी यूटिलाईज टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ सी जी एस टी एंड एस जी एस टी एज द केस में बी फिलहाल आप ये सिर्फ रूल याद रखें कि रूल एटी एट ए क्या कहना चाहता है रूल एटी एट ए जो है वो एक ही चीज़ कहना चाहता है कि जो हम सेट ऑफ या जो क्रेडिट एडजस्ट करते हैं वो क्रेडिट जो एडजस्ट करनी है अगर आईजीएसटी में बैलेंस है तो आईजीएसटी का क्रेडिट पहले आईजीएसटी के जो सेट ऑफ है या जो पेमेंट है उसी के लिए यूटिलाइज किया जाएगा मतलब आईजीएसटी पहले आईजीएसटी के लिए ही यूटिलाइज किया जाएगा अगर आईजीएसटी सेटल्ड हो जाता है तो फिर हम सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए उसे यूज कर सकते हैं जैसे केस रहे फिलहाल आपको ये सिर्फ रूल को याद रखना है जब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब तो आपको ये रूल फिर से एक बार रिवाइज करवा दूंगा तो दैट विल बी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद रूल नंबर ए सो सिंपल पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस पॉइंट दैट रूल एटी एट सेज वॉट रूल से ए सेज दैट सेवर इज द क्रेडिट ऑफ आई जी एस टी दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स

नेट ऑफ जीएसटी एट द रेट एटीन परसेंट बोला है अमाउंट दिया है फिफ्टीन लाख फोर्टी थाउजेंड फिर इंटरेस्टेट परचेज ऑफ द गुड्स नेट ऑफ जीएसटी एटीन परसेंट अमाउंट दिया है फोर्टीन लाख ट्वेंटी थाउजेंड और आपको टैक्स का रेट दिया है एटीन परसेंट वो तो ऊपर भी दिया है तो अभी इसको सॉल्व कैसे करना है फॉर्मेटिंग देख लेते हैं छोटा सा क्वेश्चन है पहले हम सिर्फ फॉर्मेट सीखेंगे फिर अगले क्वेश्चन में कंप्लीट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें सिर्फ फॉर्मेट सीख रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मेसर्स सुशील एंड कंपनी फॉर सितंबर ट्वेंटी ट्वेंटी आपका हेडिंग रहेगा देखो कॉलम कैसे मैंने प्रिपेयर किए पर्टिकुलर्स एक अमाउंट का कॉलम एक सी जी एस टी का कॉलम क्वेश्चन में एटीन परसेंट दिया है तो एटीन परसेंट का हाफ कितना होता है तो एटीन परसेंट का हाफ होता है नाइन परसेंट कितना होता है एटीन परसेंट का हाफ एटीन परसेंट का हाफ होता है नाइन परसेंट तो नाइन परसेंट यहाँ पे लिखा है और नाइन परसेंट यहाँ पे लिखा है तो सबसे पहले हम शुरू कैसे करेंगे सबसे पहले हम सेल से शुरू करेंगे तो हमारे पास एक ही सेल और एक ही परचेज है तो देखो वर्डिंग्स कैसे लिखने हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ द गुड्स जो आपके क्वेश्चन में है वही पॉइंट लिखा फिफ्टीन लाख फोर्टी आपको अमाउंट क्वेश्चन में दिया था फिर हमने क्या किया फ़िफ्टीन लैख फोर्टी का नाइन परसेंट कैलकुलेट किया तो फिफ्टीन लैख फोर्टी का अगर नाइन परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगा वन लाख थर्टी एट सिक्स हंड्रेड सिमिलरली सी एस जी एस टी में भी सेम वैल्यू आएगा वन लैख थर्टी एट सिक्स हंड्रेड तो अगर आपको क्वेश्चन में नाइन परसेंट दिया है तो नाइन परसेंट का हाफ फोर पॉइंट फाइव फोर पॉइंट फाइव अगर आपको क्वेश्चन में फाइव परसेंट दिया है तो फाइव परसेंट का हाफ टू पॉइंट तो फिलहाल हमारे पास एक ही सेल्स था तो हमने अभी इसको टोटल करना है तो सेम वैल्यू वी आर गेटिंग वन लैख थर्टी एट सिक्स हंड्रेड एंड वन लैख थर्टी एट सिक्स हंड्रेड उसको नाम क्या देंगे दिस इज कॉल्ड एज टोटल टैक्स ऑन सेल्स इसको क्या नाम देंगे हम टोटल टैक्स ऑन सेल्स फिर उसके बाद हमें क्या करना है लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब जो आप परचेस पे टैक्स भरोगे तो अभी परचेजेस जो हमने क्वेश्चन में देखा कि परचेस का हमारे पास एक ही पॉइंट था तो परचेजेस की वैल्यू है फोर्टीन लाख ट्वेंटी थाउजेंड दोनों में सेम रेट था एटीन परसेंट तो एटीन परसेंट का हाफ नाइन परसेंट तो अगेन फोर्टीन ट्वेंटी का नाइन परसेंट कैलकुलेट किया है तो वैल्यू आया वन लाख ट्वेंटी सेवन एट हंड्रेड सिमिलरली यहाँ पे भी नाइन परसेंट कैलकुलेट किया है वैल्यू आया वन लाख ट्वेंटी सेवन एट हंड्रेड अब हमें क्या करना है सिंपल पॉइंट जो भी आपने टैक्स पेड ऑन सेल्स किया है वॉट एवर टैक्स पेड ऑन सेल्स उस टैक्स पेड ऑन सेल्स में से टैक्स पेड ऑन परचेस को क्या करना है माइनस करना है मतलब वन लैख थर्टी एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड में से वन लैख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड माइनस करना है तो जब आप इसको माइनस करोगे तो अब आंसर मिलेगा टेन थाउजेंड एट हंड्रेड यहाँ पे भी सेकंड में भी सेम अमाउंट है तो यहां पे भी सेम हमारा वैल्यू आ रहा है टेन थाउजेंड एट हंड्रेड सो टेन थाज वॉट इज कॉल्ड एज टोटल टैक्स पेएबल तो ये हमारे लिए जो आंसर मिला है दिस इज टोटल टैक्स पेएबल तो ये थोड़ा सा हमने फॉर्मेटिंग सीख लिया कैसा फॉर्मेट होता है जी कैलकुलेशन के फॉर्मेट में किस तरीके से हमें कॉलम्स प्रिपेयर करने हैं

अब इसको कैसे प्रेजेंट करना है वो हम सीखेंगे देखो रेट्स भी आपको दिए हैं हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग रेट है फर्स्ट के लिए फाइव परसेंट है फिर सिक्स परसेंट है फिर नाइन परसेंट है तो फाइव परसेंट में हम कितना लेंगे टू पॉइंट फाइव परसेंट सी जी एस टी टू पॉइंट फाइव परसेंट एस जी एस टी सिक्स परसेंट में हम कितना लेंगे थ्री परसेंट सी जी एस टी थ्री परसेंट एस जी एस टी नाइन परसेंट में हम कितना लेंगे फोर पॉइंट फाइव परसेंट सी जी एस टी फोर पॉइंट फाइव परसेंट एस जी एस टी नील में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं लेकिन लिखना पड़ेगा देखो हम फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे तो फॉर्मेटिंग आपके सामने अवेलेबल है पूरा मैंने सॉल्व करके रखा है एक एक चीज समझेंगे ध्यान से देखो फर्स्ट फर्स्ट हेडिंग क्या आया कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मेसेज हेमंत एंड कंपनी फॉर ऑगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी कॉलम्स मैंने सेम प्रिपेयर किए हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट सी जी एस टी एंड एस जी एस टी ठीक है तो पहले हमने लिखा स्टेट सप्लाई सेल्स का कितना परसेंट फाइव परसेंट क्वेश्चन में अमाउंट दिया था एट लाख फोर्टी तो हमने क्या करना है 5 है तो फाइव परसेंट का आधा कितना होता है टू पॉइंट फाइव परसेंट कैलकुलेट करना है यूल गेट ट्वेंटी वन थाउजेंड ही ट्वेंटी वन थाउजेंड आप ऐसा भी कर सकते हो या फिर दूसरा मेथड एट लैख फोर्टी का फाइव परसेंट ढूंढो उसका हाफ कर दो तो भी चलेगा तो एट फोर्टी का फाइव परसेंट ढूंढो उसका हाफ कर दो या दोनों में लिखो दैट इज इन पॉइंट इंटरेस्ट सप्लाई सेल्स के लिए सिक्स परसेंट लेख सेवेंटी इज द अमाउंट इन द क्वेश्चन फाइव लेख सेवेंटी का हमने थ्री परसेंट सी जी एस टी लिखा थ्री परसेंट एस जी एस टी लिखा फिर सेल्स नाइन परसेंट नाइन परसेंट में देखो यहां पे टेन लाइक ए का नाइन परसेंट ढूंढो या टेन लाइक एटी का फोर पॉइंट फाइव फोर पॉइंट फाइव ढूंढो तो अभी भी आपको आंसर आएगा नाइन्टी सेवन टू हंड्रेड नाइन्टी सेवन टू हंड जो नील है उसको प्रेजेंट तो करना है अमाउंट के कॉलम में लेकिन उसका सी और एस क्या होगा नील होगा ठीक है तो दैट इज द पॉइंट सेल्स का सारा वैल्यू होने के बाद जो जो आपके सी और एस में वैल्यू लिखे है जो तो भी हमने यहाँ पे सी और एस में वैल्यू लिखे है यहाँ पे भी टीजीएसटी और एसजीएसटी में मतलब एसजीएसटी की जो वैल्यू है उन सभी को आपको क्या करना है ऐड करना है तो हम सभी को ऐड करेंगे ट्वेंटी वन थाउजेंड प्लस थर्टी फोर टू हंड्रेड प्लस नाइन्टी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड गेट दी आंसर एज वन लाख फिफ्टी टू फोर हंड्रेड तो, तो यहाँ पे भी आपको आ जाएगा वन लाख फिफ्टी टू फोर हंड्रेड दट इज वॉट दैट इज टोटल टैक्स ऑन सेल्स तो उसको क्या कहेंगे दिस इज कॉल्ड एज टोटल टैक्स ऑन सेल्स तो एक बार टोटल टैक्स ऑन सेल्स मिला उसके बाद फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिखना है इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब परचेजेस तो सिमिलरली मैंने जैसे परचेजेस थे वैसे सारे के सारे लिखे सेम टू सेम जैसा आपने सेल्स का कैलकुलेट किया वैसे ही फाइव लैख सिक्सटी का टू पॉइंट फाइव परसेंट फोर्टीन थाउजेंड फोर्टीन थाउजेंड फोर लैख थर्टी का थ्री परसेंट ट्वेंटी फाइव एट हंड्रेड ट्वेंटी फाइव एट हंड्रेड फिर सिक्स लेख एटी का फोर पॉइंट फाइव परसेंट आधा आधा ले रहा हुआ सिक्सटी वन टू हंड्रेड सिक्सटी वन टू हंड्रेड फोर लैख ट्वेंटी का नील नील फिर हमको क्या करना है परचेसेस की ये जो वैल्यू लिखे इसको ऐड करना है सिमिलरली इसको भी ऐड करना है तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिला वन लैक वन थाउजेंड इन दीजीएसटी कॉलम वन लैक वन थाउजेंड इन द एस जी एस टी कॉलम दिस विल बी कॉल्ड एज वॉट दिस विल बी कॉल्ड एज टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट इसको बोलेंगे हम टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट अब जी एस टी कैलकुलेट करना है कैसे करना है टोटल टैक्स ऑन सेल्स में से टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्या करना है माइनस करना है मतलब दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू अगेन सेम दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू दोनों में सेम ही आ रहा है वन लाख फिफ्टी टू फोर हंड्रेड में से वन लाख वन थाउजेंड माइनस करना है तो फाइनल आंसर आ जाएगा फिफ्टी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड सी जी एस टी फिफ्टी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड एस जी एस टी एंड दिस विल बी कॉल्ड एज टोटल जी एस टी पेबल से हम कहेंगे टोटल जीएसटी पेएबल तो इस तरीके से जीएसटी कैलकुलेश्स किए जाते हैं और जीएसटी में इस तरीके से हम पॉइंट्स को कैल्कुलेट करके सी जी एस टी एंड एस जी एस टी के वैल्यूज को ढूंढते हैं बाय सिंपल फॉर्मूला दैट इज टोटल टैक्स ऑन सेल्स माइनस टोटल टैक्स ऑन परचेज विच इज कॉल्ड एज टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट तो दैट वॉज द क्वेश्चन